नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर में आपका स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले तो आप हमें, हमारी जनता को अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। अमित बघेल, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, मोरगांव, रायपुर जिला पथरी, डॉक्टर खूबचंद बघेल के गाँव में होकर मैं नाती हूँ। पेशा से किसान हो और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के हक के लड़ाई लड़े के काम ये संगठन करत है और संगठन के नाम है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। सर, हमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जिसे नाम से ही पता चलते, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के जो स्थिति है, 18 साल राज बने हो गए तेकर बाद भी छत्तीसगढ़िया मन हा अपन दोयम दर्जा में, अपन वास्तविक स्थिति में, सम्मानजनक स्थिति में नहीं आए। चाहे वो भाषा के नाम से हो, चाहे संस्कृति ला लेकर के हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया मन दोयम दर्जा में है। तो ये दोयम दर्जा से प्रथम दर्जा में लाए के काम कौन करी? का राजनीतिक संगठन मन करी, सामाजिक संगठन मन करी, जातिगत संगठन मन करी कि कोई धार्मिक संगठन मन करी? तो ये 18 साल में मोला एकोठी संगठन नहीं दिखी जिन मन है ये काम लग करी। तब हमर सही छत्तीसगढ़ महतारी के लैका मन जुरियाँ के सकला के एक संगठन के निर्माण करें जेकर नाम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना धरायन, और एकर माध्यम से छत्तीसगढ़ में होवत अत्याचार, अनाचार और जैन किस्म के यहाँ बदमाशी होवत है, वो बदमाशी ला ठीक करे काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार करत है। और ये संकल्प लेके कि जब तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़िया राज कायम नहीं हो जही, तब तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना निरंतर लगातार काम करत रहे। आपला बता दो, कुछ दिन पहली जन घटना घटे, हमार पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति ला टोर के बसना में फेंक दिन। 1857 के पहली के शहीद वीर नारायण सिंह, जिन हमार भारत माता के सच्चा सपूत है, राष्ट्र के धरोहर है, तेकर मूर्ति ला टोर के फेंक दिन परदेसिया मन। और ओमेर अपन पुरखा के मूर्ति जैन मन ला छत्तीसगढ़ और भारत देश में कभू कुछ नहीं करें, ना आज़ादी के आंदोलन में कुछ करे, ना सामाजिक आंदोलन में कोई हिस्सा ले, ऐसे मनखे के मूर्ति ला लगाए बर षड्यंत्र पूर्वक शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति टोर के फेंक दिन। ओकर लड़ाई लड़े काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करिस। हमार भाषा ला 28 नवंबर 2007 के विधानसभा में अनपोज राजभाषा के दर्जा मिल गए। जब अनपोज राजभाषा के दर्जा मिल जाते तो वो कानून बन जाते। लेकिन ये सरकार के मनसा और एकर जिन दोहरा चरित्र रहते हैं उजागर होते कि छत्तीसगढ़ यहाँ मन के आत्मा, छत्तीसगढ़ के आत्मा का है या कोनो भी राष्ट्र के या प्रदेश के, ओकर आत्मा का होते ओकर भाषा, भाषा ला स्थापित नहीं करते, न सरकारी कामकाज के भाषा बनावते और ना ही पढ़ाई लिखाई के माध्यम बनावते। काबर कि मतलब पता है, जिन दिन पढ़ाई लिखाई के माध्यम छत्तीसगढ़ ही बन जही, राजकाज के भाषा छत्तीसगढ़ ही बन जही, तो छत्तीसगढ़िया वाद पनप ही, और जब छत्तीसगढ़िया वाद पनप ही तो छत्तीसगढ़िया राज कायम हुई, तो जब छत्तीसगढ़िया राज कायम हुई तो जतका गैर छत्तीसगढ़िया हैं जिन मन यहाँ बाहर ले आकर के मलई खाते हैं तेकर मन की दुकानदारी बंद हो जाए। तो ये कारण एमन भाषा ले स्थापित नहीं करना चाहते। तो ये भाषा के लड़ाई लभी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लड़ी से। हमार छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना है दिल्ली में जा कर के प्रदर्शन करी, लोकसभा सर्वोच्च सदन के आगू में जा कर के प्रदर्शन करी कि हमार महतारी भाषा ला स्थापित किया जाए, राजकाज के भाषा बनाया जाए, पढ़ाई लिखाई के माध्यम बनाया जाए।
और तमाम हमर संस्कृति ला लेकर के हमर पुरखा मन के सम्मान ला लेकर के हमर राजनीतिक व्यक्ति जैन मन हम मुख्य धारा में तो है लेकिन दोयम दर्जा में है। 90 विधायक में 71 छत्तीसगढ़िया है, 19 गैर छत्तीसगढ़िया हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट में कौन बैठे हैं? गैर छत्तीसगढ़िया बैठे हैं। एकर मन के औकात नहीं छत्तीसगढ़िया मंत्री मन के एक ठन चपरासी के स्थानांतरण कर दें, काबर की ओमन ओकर मन से ड्राइव हुआ थे। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये चाहते कि 100% छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के राज कायम हो, छत्तीसगढ़िया मन राजनीति में आगुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया बनाए, यहाँ के मंत्री छत्तीसगढ़िया बनाए, यहाँ के मुख्य सचिव से लेकर के ग्राम सचिव तक और मुख्यमंत्री से लेकर के ग्राम के पंच तक छत्तीसगढ़िया हो, ये भावना ला लेकर के काम करत छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। अब ये 100% गैर राजनीतिक संगठन है, ना ही ये विधानसभा के चुनाव लड़े, ना ही ये लोकसभा के चुनाव लड़े, ना ही ये स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े। बहुत जन मन कहते हैं कि शुरू में आते गैर राजनीतिक के अपन आप लोकर बाद जा करके राजनीति में कूद जाते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद ल स्थापित करे कम ताउम्र क्रांति सेना करी, ना ही ये संगठन है कभू राजनीतिक दल में परिवर्तित हो, ना ही ये संगठन राजनीतिक दल में मर्ज हो, ये अपन स्वतंत्र स्वतंत्रता के साथ में अपन जिन सिद्धांत है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के वो सिद्धांत में निरंतर काम करी। सर, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में ऐसा कोई मुख्य कार्य जो हुआ है वो आप हमें बताइए। अच्छा प्रश्न है। अभी थोड़ा दिन पहले बलौदा बाजार में स्थिति लाप जरा समझना भी मोर ये काम हो है, अब एक विज्ञापन करना उद्देश्य नो है। देखो स्थिति भी का है और कैसे लड़के हमन ला लड़े लगते और बाद जीत मिलते। ये सरकार है छत्तीसगढ़िया मन ला पीटे भर पुलिस ला गुंडा बनाए है और पुलिस ला पीटे भर बिहारी मन ला गुंडा बनाए है। छत्तीसगढ़िया पुलिस मन भी सुरक्षित नहीं है। बलौदा बाजार में कुछ दिन पहली छत्तीसगढ़िया पुलिस मल्ला पंजाबी मन है दौड़ा दौड़ा के मारिस और कारण का है एक पंजाबी है अपन मूड़ ला फोर लिच थाना के भीतरी में वो मर गए। तब पुलिस के अभिरक्षा में पंजाबी मरे है ऐसे की के 24 जन के ऊपर में 302 के मुकदमा कायम करके वो मल्ला जेल भीतरी डार दे रही से। ये बात छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तक आई पता चली, हमला आवेदन निवेदन कोनो दय नहीं, हमला पता चलते हम चल देते हैं, हमन अगोरन नहीं, हमला न्योता नहीं दाए कोनो, नहीं कोनो आवेदन निवेदन करे। हमला पता चलिस कि हमर छत्तीसगढ़िया और जतका भी छत्तीसगढ़िया पुलिस रिन 22 जन वो सबों के सबों छत्तीसगढ़िया हैं ओकर मन के खिलाफ में 302 के मुकदमा कायम करे रही। तब जा करके बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जबर लौठी रैली का आयोजन करिस और जब जबर लौठी रैली का आयोजन करिस तो 24 छत्तीसगढ़िया में 20 छत्तीसगढ़िया मनला 302 के धारा से मुक्त करिस और ओमन आज भी सम्मानजनक नौकरी करत है। एकर मतलब ये है कहीं न कहीं पुलिस बदमाशी करे रही से परदेसिया पुलिस मन छत्तीसगढ़िया पुलिस मनला जेल में डारे के। कानून सम्मत काम होना चाहिए, जिन अपराधी वाला सजा मिलना चाहिए। ठीक वैसने विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के भांचा सुधीर सुल्तानिया अभी हसवा में 84 साल के बाबा और 2 साल के नतनी ला होली के दिन अपन BMW कार में चपक के मार डरीच। यहू में देखो का होइस ओकरे परिवार के जैन परिवार के बाबा और नतनी मन मरे हैं तेने परिवार के 11 जन के खिलाफ में नॉन अवेलेबल FIR दर्ज हुए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पता चलिस कसडोल में अभी 30 तारीख के लौठी रैली निकालिस। जब लौठी रैली निकालिस तो परिवार के 2 सदस्य अभी वर्तमान में अस्थायी नौकरी दे है। एक जना ड्राइवर के नौकरी दे, एक जना चपरासी की नौकरी दे SDM के SDM ऑफिस में और हमन 30 दिन के उम्र मोहलत दे 3 महीना के मोहलत दें। 3 महीना के मोहलत में हमर 4 शर्त है। पहला 11 जन के खिलाफ में जिन नॉन अवेलेबल FIR हो है तेल तत्काल निरस्त करो, शून्य घोषित करो। दूसरा
वो परिवार ला 50-50 लाख रुपया जीव के बदला जीव तो नहीं दिए जा सके, लेकिन ओकर मुआवजा दिए जा सकते, क्षतिपूर्ति कोशिश किए जा सकते करे के, तो 50-50 लाख रुपया उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा, वो घर के दो सदस्य ला परमानेंट सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और चौथा, सुधीर सुल्तानिया के खिलाफ में 302 के मुकदमा कायम करके ओला जेल भीतरी डालना चाहिए। अब ये 3 महीने के भीतर में ये सरकार कहूँ नहीं करी तो पूरा छत्तीसगढ़ जल ही, और ओकर जिम्मेदार ये सरकार रही, यहाँ का प्रशासन रही। तीसरा बड़े काम जिन सबसे पहली मुला बताना चाहिए आपला, हमार पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह 1857 के पहली के शहीद भारत माता के सपूत राष्ट्रीय धरोहर, ओकर मूर्ति ल टोर के बाहिर ले आए मारवाड़ी मन, कचरा गाड़ी में फेंक दिन, ओकर अपमान करिन, वहाँ हमन लौठी रैली निकालें, पुरखा चौरा सृजन कार्यक्रम करें, पूरा प्रदेश भर के जतका हमर पुरखा है छत्तीसगढ़ के माटी के, जतका हमर देव स्थल है, देवता धामी है, गांव के देवता है, वहाँ से माटी ला करके हमन चौरा के निर्माण करें, जतका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जतका हमर धार्मिक स्थल है, जतका हमर सांस्कृतिक पुरोधा हैं, ओकर मन के जन्म स्थली के माटी ला करके वहाँ चौरा बनाएं, और वही चौरा के ऊपर में हमर शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति के स्थापना करे हन। पूरा प्रदेश भर में ओतका जान हमर सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक कोनो मेर नहीं है जैन स्थापित अभी बसना में हो है। सर आखिरी क्वेश्चन, आप हमारे दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? जतका मोर छत्तीसगढ़ के दर्शक भाई बहनी है, तेकर मन से करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रणाम पूर्वक निवेदन है, हमर आत्मा ला पहली जागृत करें, और हमर आत्मा है हमर भाषा, हमर भाषा ला बोलिन, डट के बोलिन, और हमर आने वाला पीढ़ी ला हमर भाषा से परिचित कराइन, ऐसे कही के कि मोला छत्तीसगढ़ ही नहीं आवाए, यह गर्व के बात न है, यह शर्म के बात है। तो मोर निवेदन ये है, अगर लइका मन अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ते है तो उहू ला छत्तीसगढ़ ही माध्यम से पढ़ाए जा सकते, तो मोर निवेदन ये है कि हमन जतका जन भी छत्तीसगढ़िया मन हन, तेन मन अपन महतारी भाखा ला भरपूर उपयोग करिन, अपन आप ल चिन्हिन, और आने वाला समय में आप सबके चैनल के माध्यम से मोर एक और निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो कोनो भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, सिर्फ और सिर्फ आने वाला 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़िया ला देख के वोट देना है, परदेशिया ला एक ठन गैर छत्तीसगढ़िया ला वोट मत दिया, यही है छत्तीसगढ़ महतारी बर तुहर मन के सच्चा और विनम्रता पूर्वक सम्मान हो ही, प्रणाम हो ही, और महतारी के भक्ति हो ही, और अपन भाषा ला अपन कार्यस्थल में, व्यावसायिक क्षेत्र में, अपन शासकीय अशासकीय जिहाँ जिहाँ भी हम कर काम बुता करथन, जिहाँ जिहाँ हमन रथन, अपन दोस्ती यारी में, अपन रिश्तेदारी में, जेन जेन जगह में, अपन लइका मन के संग में, अपन परिवार में, हकन के छत्तीसगढ़ ही बोलाओ, कंस के छत्तीसगढ़ ही बोलाओ, मीठ छत्तीसगढ़ ही बोलाओ, और ये मिठास ल संपूर्ण भारत देश में बघराओ, बस यही संदेश आप सबके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर अपना इतना कीमती समय देने के लिए, आपको धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लग लो। तो ये थे अमित बघेल जी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके बारे में हमने जाना। और भी ऐसी न्यूज़ के लिए विजिट करें www.topreporter.co में। धन्यवाद।